ओडिशा के बालासोर में 2 जून 2023 को तीन ट्रेन के बीच एक भीषण एक्सीडेंट हुआ। इस हादसे में 300 के करीब लोगों की मौत हो गई, वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे की खबर से पूरे देश में शोक की लहर बनी हुई है। मौका वारदात से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार इस हादसे के संदर्भ में तरह तरह के दावे शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में कई यूजर्स इस घटना के बाद ट्रेन से जुड़े कई वीडियोस शेयर कर सांप्रदायिक दावे करने लगे। ऑल्ट न्यूज ने ऐसे ही कई दावों पर नजर बनाए रखते हुए छानबीन जारी रखी और कई दावों का फैक्ट चेक भी किया। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ फर्जी दावों की असलियत बताएंगे, जिनमें ओडिशा ट्रेन हादसे को झूठा कम्युनल एंगल दिया गया है। घटना के दूसरे ही दिन यानी 3 जून को सोशल मीडिया पर हादसे की ये तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया गया कि रेलवे ट्रैक के पास मस्जिद थी और हादसे का दिन शुक्रवार था। यहाँ यूजर शक जता रहे हैं कि इस हादसे के पीछे मुसलमानों का हाथ है। मामले की तफ्तीश करते हुए हमें रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में ये तस्वीर मिली। हमने देखा कि तस्वीर में दिख रही ये सफेद इमारत मंदिर है, न कि मस्जिद। आगे हमने दुर्घटना स्थल पर मौजूद पत्रकार कमाल साहा से कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने इस मंदिर में जाकर वहां से हमें ये तस्वीर और ये वीडियो भेजा। ये देखने पर साफ हो जाता है कि एक्सीडेंट की जगह पर दिखने वाली ये सफेद इमारत मंदिर है, न कि मस्जिद। इस मामले के बारे में आप डिटेल में वीडियो रिपोर्ट स्क्रीन पर दिख रहे इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। धीरे धीरे इस हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर कई थ्योरी सामने आई। कहा गया कि बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर का नाम शरीफ है, जो ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद से फरार है। ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर विवेक पांडे ने यह दावा करते हुए लिखा कि अब नौकरी में भी नाम देखकर ही काम देना होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये दावा सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शेयर किया है। इस वायरल दावे की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। हमने मौके पर मौजूद पत्रकार से संपर्क किया, जिन्होंने ऑल्ट न्यूज को स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर लगाए गए बोर्ड की तस्वीर भेजी। गौर करें कि इस लिस्ट में किसी शरीफ का नाम मौजूद नहीं है। हमें ओडिया न्यूज आउटलेट कलिंगा टीवी की 3 जून की ये रिपोर्ट मिली। इसमें लिखा है कि घटना के वक्त ड्यूटी पर मौजूद बहनागा सहायक स्टेशन मास्टर SB मोहंती ट्रेन दुर्घटना के बाद से फरार है। कलिंगा टीवी की 5 जून की रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त की टीम स्टेशन मास्टर मोहंती से पूछताछ कर रही थी। वहीं ऑल्ट न्यूज ने ओडिशा के 2 IPS अफसरों से भी बात की। उनमें से एक ने हमें बताया कि स्टेशन स्टाफ में शरीफ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। वहीं दूसरे अधिकारी ने बताया कि स्टेशन के सभी कर्मचारी मौजूद हैं और वो अलग अलग स्तर जगह से पूछताछ में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस दावे के साथ शेयर की गई इस तस्वीर के बारे में जांच करने पर हमें पता चला कि ये बोरा गुहालू रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर की तस्वीर है। यानी शरीफ नामक बालासोर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर का फरार होने का दावा बिल्कुल गलत है। बहनागा बाजार के स्टेशन मास्टर का नाम SB मोहंती है और वो फिलहाल फरार नहीं है। अब बात करते हैं इस वीडियो की। ये वीडियो शेयर करते हुए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय के लोग बच्चों का इस्तेमाल कर ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं। राइट हमारे तौर से राइट विंग यूजर अरुण पुदुर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि एक बच्चा कर्नाटक में रेलवे ट्रैक में तोड़फोड़ करते हुए पकड़ा गया। वहीं इस यूजर ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये वीडियो कर्नाटक का है। जिहादियों द्वारा ऐसे बच्चों का इस्तेमाल ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता देख कई मीडिया संगठनों ने भी इस पर आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, जैसे कि टाइम्स नाउ, अमर उजाला, एशिया नेट न्यूज, वन इंडिया। वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये वीडियो 12 मई 2018 को पोस्ट किया हुआ मिला। यानी ये वीडियो हाल का नहीं बल्कि कम से कम 5 साल पुराना है। इस वीडियो में लोग कन्नड़ भाषा में बात कर रहे हैं। इस आधार पर ऑल्ट न्यूज ने रायचूर रेलवे के सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार से कॉन्टेक्ट किया।
उन्होंने इस वीडियो के बारे में हमें बताया कि ये घटना 2018 में कलबुर्गी मुख्य स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर हीरे नंदूर की ओर हुई थी। पास की झुग्गियों के बच्चे रेलवे ट्रैक के पास पत्थर रखकर खेल रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इन बच्चों का ट्रेन को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा ही एक और वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स ने चलती ट्रेन के आगे भरा हुआ सिलेंडर फेंक दिया। सबसे पहले तो आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। हाँ हाँ, मैं वो पुलिस वाले को बोल दिया, मैंने पकड़ा दिया, फाड़ दिया यार उसने, बाहर करो, मैंने वीडियो बना लिया यार, रखो रख दो यहीं पर। वहीं और भी कई यूजर्स ने ये वीडियो हल्द्वानी की घटना का बताते हुए शेयर किया। पंजाब केसरी उत्तराखंड ने ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया और साथ में हैशटैग ओडिशा रेल एक्सीडेंट भी लिखा। हालांकि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल ने वायरल ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए बताया कि ये वीडियो 5 जुलाई 2022 की घटना का है। काठ गोदाम के RPF इंस्पेक्टर चंद्रपाल सिंह ने बताया कि ये वीडियो पुराना है। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना में आरोपी गंगाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और मामला अभी अदालत में चल रहा है। ऑल्ट न्यूज ने आगे चंद्रपाल सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि इस घटना का आरोपी मुस्लिम नहीं था बल्कि उसका नाम गंगाराम था, जो 5 जुलाई 2022 को अपने घर से खाली सिलेंडर भरवाने के लिए निकला था, लेकिन रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त ट्रेन आ गई और गंगाराम वही सिलेंडर छोड़कर भाग गया। गंगाराम को बाद में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 महीने बाद जमानत पर उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वहीं चंद्रपाल सिंह ने इस बात की पुष्टि भी की कि गैस सिलेंडर खाली था और हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, ओडिशा में हुए इस दुखद ट्रेन हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के झूठे दावों के जरिए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा जा रहा है। ओडिशा पुलिस ने हादसे के संदर्भ में किए जा रहे ऐसे दावों को दुखद बताया और कहा कि अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।